गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने फॉर्मेशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना सीखा था, जिसमें अपन ने रूल्स भी जाने थे और लास्ट में टेबल भी बनाई थी। लेकिन उस टेबल में अपन ने कुछ मिस्टेक की थी जो मैंने आपको नहीं बताया था उस टाइम। इस क्लास में बता रहा हूँ कि उस टेबल को बनाने में अपने थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी बस, और बाकी जो रूल्स लिखे थे अपन ने समझे थे वो बिल्कुल करेक्ट थे। तो एक बार उसी टेबल को अपन रिपीट कर लेते हैं ताकि अपने वो पॉइंट सही बने, वो फ्रीक्वेंसी टेबल, वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल अपनी सही बने। तो पॉइंट क्या था वो अपना, फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल, यही था। इसमें अपन ने एग्जाम्पल लिया था 0, 9, 6, 6, 0, 2, 4, 9, 7, 1 और 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि 11 की संख्या में अपने पास चर की संख्या है, वेरिएबल्स की संख्या है। इस डाटा से अपन, ये जो डाटा है अपन ने कहाँ से लिया है, किन्हीं 11 कंट्रीज में, किन्हीं कुछ कंट्रीज में, किसी स्टेट में मान लो या अपने कॉलेज में मान लो, किन्हीं 11 स्टूडेंट्स द्वारा पास के और दूर के चश्मे लगाने की संबंधित डाटा है, यानी पास की संख्या के, यानी पास का चश्मा या पास की नज़र का चश्मा कितने स्टूडेंट्स लगाते हैं, दूर की कितने स्टूडेंट्स लगाते हैं चश्मा, तो उससे रिलेटेड डाटा लिया गया है। और कह रहा है अगला कि इस डाटा से आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। ठीक है, तो अपन को टेबल बनानी है, अपन को रूल्स पता है कि सबसे पहले अपन को इस डाटा को आरोही या अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग या असेंडिंग क्रम में विन्यासित करना है। फिर अपन को जितनी बार जिस चर संख्या की पुनरावृत्ति हुई है उतनी ही टेली बार खींचनी है। जैसे 4 बार रिपीट हुई है तो 4 खड़ी लाइन खींच ली है, अगर 5 बार रिपीट हो रहा है तो 4 खड़ी लाइन और 1 तिरछी लाइन खींचनी है। ऐसे अपन टेली बार खींचेंगे और इनके सामने इनकी फ्रीक्वेंसी भी अंकित कर देंगे। लास्ट में जो टोटल आएगा वो इनके इक्वल ही होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी कितनी आनी चाहिए, जितने की अपने पास चर संख्या है, ये 11 है तो 11 ही अपने पास फ्रीक्वेंसी का टोटल आना चाहिए, ये मैंने कहा था। लेकिन अपने टोटल में कितने आ रहे थे, 9 ही आ रहे थे, जो गलत था। तो वापस से आज अपन रिटर्न इसकी टेबल बनाते हैं। तो एक तरफ तो आ जाएंगे वेरिएबल, एक तरफ है टेली बार्स और एक तरफ है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज करना है, तो अपन कर रहे हैं अवरोही क्रम में असेंडिंग। 0 से स्टार्ट है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही है। यानी कि अपन ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या बारंबारता वितरण जब टॉपिक स्टार्ट हुआ था तभी पहले समझ लिया था कि डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होते हैं,
ऐसे मान जिनमें एक निश्चित संख्या का अंतर होता है और उनको पूर्णांकों में भी लिखते हैं, वही किया है अपन ने यहाँ पे, निश्चित संख्या का अंतर है और पूर्णांक पूर्ण अंक के रूप में लिखा है। तो ऐसे चर क्या कहलाएंगे, डिस्क्रीट या खंडित चर कहलाएंगे। अब टेलीबास खींचनी है अपन को, जीरो कितनी बार है, एक बार, दो बार, ये लो दो खड़ी लाइन खींच दी और यहाँ फ्रीक्वेंसी में दो। फिर एक कितनी बार है, एक, ये देखो एक बार है, ध्यान से खींचनी है, ये एक बार, यहाँ पर भी एक। फिर टू कितनी बार है, एक ये रहा और एक ये रहा, दो बार है, ये दो बार, यहाँ पर भी ये दो। फिर तीन है, कितनी बार है, तीन है ही नहीं, तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, ये लो जी ब्लैंक छोड़ दिया। फिर चार नंबर, चार नंबर ये रहा एक बार, तो ये चार नंबर, ये एक टेली बार खड़ी लाइन खींच दी, ये खड़ी लाइन और यहाँ पर भी एक। फिर चार के बाद पाँच, पाँच इसमें है ही नहीं, फिर ब्लैंक छोड़ देंगे अपन, ये लो ब्लैंक। फिर छः, छः कितनी बार है, कितनी बार पुनरावर्ती है छः नंबर की, छः वेरिएबल की, एक, दो, दो बार ही पुनरावर्ती हुई है, तो यहाँ पे ये लो दो, खड़ी लाइन खींच दी और यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी शो कर दी। फिर है सेवन, सेवन देखो इसमें एक बार, ये एक खड़ी लाइन, यहाँ पर भी एक। एट इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पे एट पर ब्लैंक। फिर नाइन, नाइन एक, दो, दो बार रिपीट हुई है तो दो खड़ी लाइन और ये यहाँ पे दो। अब अपन को करना था टोटल, टोटल में कितना आना चाहिए अपने पास, 11 ही आना चाहिए। फ्रीक्वेंसी यानी कि कितनी बार रिपीट हुई है, ये टोटल 11 है तो फ्रीक्वेंसी भी 11 ही होनी चाहिए। तो गिनो, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, ये लॉजिक 11 एकदम करेक्ट टेबल बन चुकी है। इसलिए मैंने आपको वापस बताई है, क्योंकि पिछली जो टेबल बनाई थी उसमें हल्की बहुत थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए फिर से मैंने आपको ये समझा के बता दिया है। तो इस तरह से अपन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वो है इसका सेकंड टाइप, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल। कौन सी, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल तो बनाना सीख लिए अपन, कंटिन्यूस कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल के बाद अपन कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल या सतत बारंबारता सारणी बनाना सीखेंगे। सबसे पहले वही कि रूल्स क्या है इसको बनाने के, वो जानेंगे अपन। तो दिए गए डाटा को उचित रूप से प्रदर्शित करने के लिए, दिए गए जो डाटा है अपने पास, जैसे एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल दे दिया, उसमें डाटा दे दिया अपन को, तो उनको उचित रूप से प्रदर्शित करने के लिए अपन किस किस का यूज करते हैं, नंबर ऑफ क्लासेस, क्लास लिमिट, क्लास इंटरवल और क्लास फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ क्लास यानी क्लासों की संख्या, क्लास लिमिट यानी लिमिट का मतलब है सीमा से, कि कहां तक अपन को क्लास लिमिट बनानी है या सीमा तक उसकी हद रखनी है। क्लास इंटरवल यानी अंतराल, इंटरवल का मतलब है अंतराल से, और फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति है ही। तो डाटा को उचित रूप से प्रदर्शित करने के लिए अपन क्लासों की संख्या, क्लास की सीमाएं, क्लास की
क्लास में अंतराल और क्लास फ्रीक्वेंसी या उसकी आवृत्ति का यूज करते हैं। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल को बनाने के लिए अपन इन बातों का स्पेशली ध्यान रखते हैं, ठीक है। अब किसी यानी कोई डाटा दिया गया है अपने पास, तो जैसे मान लो कि दिया है 50 से 100। किसी अगर क्लास के अपन को क्लास लिमिट निकालनी है, जैसे मान लो कि अपन को डाटा में दे दिया 50 से 100, तो इसमें इस डाटा की लोअर लिमिट 50 है, निचली सीमा यानी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए अगर कोई अपन ने कोई पास कोई एग्जांपल है तो अपन उसमें उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट निर्धारित करते हैं। सबसे पहले क्या निर्धारित करते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, यानी निचली सीमा और ऊपर वाली सीमा। जैसे एग्जांपल में 50 से 100 अपन ने पहले ही जान लिया है ये कंटिन्यूस वेरिएबल्स कैसे बनते हैं, जो पूर्णांकों के अलावा दशमलव में भी लिखे जाते हैं, जो काउंटिंग के बजाय मेजरमेंट से कलेक्ट किए जाते हैं। जैसे अपने एग्जांपल लिया था 100 से 170 किसी सेंटीमीटर में किसी स्टूडेंट की हाइट है, तो 100 से 170 तक गुजरना पड़ेगा अपन को। तो 50 से 100 अपने पास एक एग्जांपल है, एक डाटा है वेट से रिलेटेड। तो इसकी निचली सीमा क्या है, जिसे बोलेंगे अपन लोअर लिमिट। 50 है यानी नीचे से नीचे संख्या कौन सी है इसमें, 50, जिसे अपन क्या बोलेंगे निचली सीमा या लोअर लिमिट। ऊपरी सीमा या ऊपरी सीमा क्या बोलेंगे अपन अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, यानी ऊपर की लिमिट 100 है, नीचे की संख्या 50, ऊपर की संख्या 100, नीचे की सीमा लोअर लिमिट कहलाएगी और ऊपर की सीमा अपर लिमिट कहलाएगी। ये तो अपन ने ज्ञात कर लिया क्लास लिमिट्स, समझ में आया, ठीक है। अब ये क्लास इंटरवल क्या होता है कि किसी दिए हुए डाटा में उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के अंतराल को, यानी ये जो लोअर लिमिट और जो अपर लिमिट है इनके अंतराल को ही या अंतर को ही क्लास इंटरवल कहा जाता है। तो क्लास इंटरवल निकालने का फॉर्मूला कई बार पूछ लिया जाता है, क्लास इंटरवल निकालने का फॉर्मूला जो है वो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, यानी वर्गों की संख्या से। यह है क्लास इंटरवल या वर्ग अंतराल ज्ञात करने का सूत्र। जब अपन को पता चल जाता है कि दिए गए डाटा में लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है, तो अपन उस डाटा से संबंधित क्लास इंटरवल भी निकाल सकते हैं कि वर्ग अंतराल क्या होगा। तो उसको निकालने का फॉर्मूला है कि अपन अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाकर माइनस कर कितनी क्लास अपन को बनानी है टोटल, उनका भाग लगा दें तो अपने पास क्लास इंटरवल आ जाएगी कि अपन को कितने कितने का अंतराल रखना है। जैसे मान लो कि डाटा मिला है अपन को किसी क्लास में स्टूडेंट्स का जो वेट है वह 30 से 80 के बीच में है और इससे डाटा से रिलेटेड आपको 5 क्लास बनानी है। कितनी बनानी है, 5 क्लास बनानी है, यानी कि आपकी बीएससी फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट्स का वेट है वो 30 से 80 के लगभग है और इस डाटा से संबंधित आपको 5 क्लास बनानी है, ठीक है। तो क्लास इंटरवल ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। तो आपने क्या किया, क्लास इंटरवल ज्ञात करने का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि अपर लिमिट क्या है 80, ये लो 80, लोअर लिमिट क्या है 30 माइनस 30 डिवाइडेड बाय कितनी क्लास बनानी है, नंबर ऑफ क्लास 5 दिया है क्वेश्चन में, तो 5, ये लो जी, करो कैलकुलेशन। 80 में से 30 किए तो 50 डिवाइडेड बाय 5, ये लो 10,
क्लास इंटरवल कितना आया? 10। तो अपन को जो क्लास बनानी है, क्लास इंटरवल अपन को पता चल चुका है कि 10 है, यानी 10-10 का गेप देना है, इंटरवल देना है, अंतराल देना है। तो 5 क्लास कैसे बनेगी अब देखना, डाटा में तो इतना ही दिया था 30 से 80, तब क्या होगा 10 का अंतर रखे तो जो फर्स्ट क्लास है 1, 2, 3 ये 4 और ये 5, 5 क्लास बनानी थी। क्लास इंटरवल अपन ने निकाल ली कि 10 का अंतर रखना है, अपन को अंतराल रखना है, तो 30 से स्टार्ट हो रहा है तो 10 का अंतर रखो 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। लोअर लिमिट 30 थी, अपर लिमिट 80 थी। 5 क्लास बनानी थी, कैलकुलेशन करके अपन ने क्लास इंटरवल निकाली, 10 का अंतर रखना था, तो 30 से स्टार्ट कर रहे थे, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। तो इस तरह से अपन ये 5 क्लास बना सकते हैं। कितने क्लास इंटरवल पे? 10 पे। 10 का ये अंतर है, देख सकते हो आप इनमें। तो ऐसे अपन को किसी दिए गए डाटा में क्लास लिमिट निकालनी है। क्लास लिमिट अगर पता चल जाती है, अगर अगला अपन को क्लास इंटरवल पूछ रहा है तो ऐसे क्लास इंटरवल निकालनी है। क्लियर है? अगर अपन को क्लास फ्रीक्वेंसी पूछे कि क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो क्लास फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपके। किसी क्लास की अपन को क्लास फ्रीक्वेंसी पूछे, किसी क्लास की क्लास फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पूछे तो अपन को क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके जोड़ करके 2 का भाग लगा देना है, तो क्या आ जाएगी, क्लास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सॉरी, मिड वैल्यू। क्लास फ्रीक्वेंसी से नहीं निकालते, क्लास फ्रीक्वेंसी निकालते हैं किसी डाटा में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ ईच क्लास, यानी प्रत्येक क्लास को ऑब्जर्व करके अपने ये जाना कि कितनी संख्या में उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। इसे बोलते हैं अन्वेक्षणों की संख्या, यानी कि अपन ने जो इससे पहले टेबल बनाई थी, जैसे मान लो ये डाटा था, तो क्लास की क्लास फ्रीक्वेंसी निकालनी, यानी कि आवृत्ति निकालनी है, तो उससे संबंधित अपन यही देखेंगे कि ऑब्जर्व करके देखेंगे कि इस डाटा की पुनरावृत्ति कितनी बार हो रही है, 2 बार हो रही है, 5 बार हो रही है, तो उसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी क्लास। ठीक है? अगर अपन को पूछे कि मिड वैल्यू क्या है, किसी क्लास की मिड वैल्यू क्या है, ये तो अपन ने जान ही लिया है। जैसे मान लो कि अपन को पूछे 50 से 60 ये कोई क्लास है, इसकी मिड वैल्यू ज्ञात कीजिए, यानी मिड वैल्यू का मतलब है बीच की संख्या, मिड वैल्यू इसे बोलेंगे अपन, बीच की संख्या। कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 50 और 60 को जोड़ के 2 का भाग लगा दो तो मिड वैल्यू आसानी से आ जाएगी। अगर अपन इतनी कैलकुलेशन न करें तो डायरेक्ट देखना चाहे तो मिड वैल्यू क्या है, 50
से ऊपर और 60 से नीचे यानी कि 55। कैलकुलेशन करके देखते हैं, 50 लोअर लिमिट है और 60 अपर लिमिट है डिवाइडेड बाय 2, कितने हो गए 110 डिवाइड किया तो ये लो 55 आ गए, आ गए वही। तो ये है इस क्लास की मिड वैल्यू। अगर आपको इस पूरी टेबल की मिड वैल्यू ज्ञात करने के लिए पूछे तो अपन को क्या करना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़कर यहां पे कर देना है नंबर ऑफ क्लासेस। अगर पूरी टेबल की मिड वैल्यू पूछे तो तब अपन को लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़कर नंबर ऑफ क्लासेस का भाग लगा देना है। नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है, 5, तो यहां पे अपन 5 का भाग लगा देंगे तो इसकी मिड वैल्यू यानी बीच का मान अपन को मिल जाएगा। तो ऐसे अपन किसी डाटा की क्लास लिमिट ज्ञात सकते हैं, क्लास इंटरवल ज्ञात कर सकते हैं, क्लास फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर सकते हैं, और अब रह जाता है अपना नंबर ऑफ क्लासेस। कि मान लो कि यहाँ पे तो सर क्वेश्चन में दे दिया कि 5 क्लास बनानी है आपको, अगर किसी क्वेश्चन में दे ही नहीं, ओनली डाटा ही दे के पूछ ले कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल बनाइए, तब अपन को क्या पता चलेगा कि 5 क्लास बनानी है, 10 क्लास बनानी है, 20 क्लास बनानी है। तो उसका भी एक वैज्ञानिक ने अच्छे से सुझाव दिया है, अच्छे से समझाया है वो कैसे। उससे पहले अपन कुछ चीज़ जान लेते हैं, जैसे कोई डाटा है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल में वह 50 से स्टार्ट होकर यहाँ पे 50 से स्टार्ट होकर 59.99, यानी कोई जो डाटा है वह जैसे कोई क्लास है 50 से 60, तो इसमें कितने नंबर तक का डाटा समावेश हो सकता है, समावित हो सकता है, वो है 50 से लेके 59.99 तक डाटा इस क्लास में एंटर हो सकता है। ठीक है, अगर अपन को नंबर ऑफ क्लासेस ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे अपन, ये रूल्स ये सारे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल को बनाने के बहुत इजी, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब जो नंबर ऑफ क्लासेस है वो अगर ढंग से समझ में आ जाएगा तो अपने सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि क्लास इंटरवल ज्ञात करना बहुत ही आसान है, क्लास लिमिट अपने आप को अपन को पता चल जाती है, और क्लास फ्रीक्वेंसी अपन डाटा को देख के बता सकते हैं। ठीक है, मिड वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, लोअर और अपर लिमिट को जोड़कर नंबर ऑफ क्लासेस का भाग लगा देंगे। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ क्लासेस कैसे ज्ञात करेंगे, मान लो किसी डाटा में तो दे दिया कि 5 क्लास बनानी है तो 5 पता ही अपने आप लिखा हुआ आ गया, लेकिन अगला दे ही नहीं अपन को कि कितनी क्लास बनानी है और डाटा ही दे दे, तो उस टाइम अपन को कौन से नियम फॉलो करना है वो है ध्यान सुनना। स्टर्ज नामक वैज्ञानिक ने नंबर ऑफ क्लासेस निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया था, जो फॉर्मूला है ये है फॉर्मूला, ये कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि स्टर्ज द्वारा नंबर ऑफ क्लास या क्लासों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो C इक्वल टू 1+3.32 log n। यहां पे जो C है उसका मतलब है नंबर ऑफ क्लासेस, log का तो पता है अपन को, n का मतलब है अन्वेक्षणों की संख्या, वही बात आ गई फ्रीक्वेंसी वाली। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि यहाँ पे एन का मान ये आएगा कि अपने डाटा कितनी संख्या में लिए हैं, अपने पास डाटा 10 की संख्या में है कि 5 की संख्या में है कि 100 की संख्या में है कि 1000 की संख्या। जैसे मान लो डाटा है अपने पास
एक क्वेश्चन में अपने पास डाटा आ गया, ये क्वेश्चन है, इसमें डाटा दे दिया 100 के लगभग कि किसी कॉलेज में हाइट से रिलेटेड सेंटीमीटर में हाइट दी है और वो हाइट से संबंधित डाटा दिए उन्होंने लगभग 100 के लगभग कि हाइट जो है वो 30 सेंटीमीटर से स्टार्ट होकर 180 तक जा रही है, ऐसे कुछ डाटा दिया है लगभग 100 की संख्या में। तो इस डाटा से अपन को कितनी क्लास बनानी है ये अपन को पता ही नहीं है, तो उसका उपाय बता दिया इन वैज्ञानिक ने ये फॉर्मूला देकर। वो कैसे निकालेंगे अपन, यहाँ पे अन्वेक्षणों की संख्या कितनी हो गई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की 100। अगर डाटा की संख्या 10 होती तो 10 मानते, 100 होती तो 100 मानेंगे और 1000 होगी तो 1000 मानेंगे। जैसे मान लो कि 100 दी है डाटा की संख्या, तो फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो C इक्वल टू 1+3.32 log 100। ये अपन ने मान रख दिया है log 100, क्योंकि 100 की संख्या में अपने पास क्वेश्चन में डाटा आया है कि 100 की संख्या में डाटा लिया है, तो संबंधित डाटा से एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल बनाइए। अब कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई किया तो इसमें log n का मान, log n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो 100 डाटा है अपने पास, तो यहाँ पे log 100 हो गया, n की जगह 100 कर दिया अपन ने। आगे 1+3.32 इंटू लॉग 100 का मान जो होता है वो होता है 2। आप कैलकुलेट करके देखने ला, लॉग 100 का मान आएगा 2। यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, लॉग 100 का है 2, लॉग 1000 का है 3, और लॉग अगर 10 का पूछ ले तो इसका है 1। अगर 10 की संख्या में अपने पास डाटा है तो लॉग 10 का मान होगा 1, अगर 100 की संख्या में डाटा है तो लॉग 100 का मान होगा 2, अगर 1000 की संख्या में अपने पास डाटा है तो लॉग 1000 का मान होगा 3। तो यहाँ पे अपने पास लॉग 100 तो इसका मान हो गया 2। आगे कैलकुलेट करो, 1+ इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 4, 6.6 प्लस, एक प्लस किया तो क्या आएगा 6.64, में एक प्लस किया तो 7.64 आ गया, यानी कि 8 के लगभग। 7.64 किसके बराबर है, 8 के लगभग। तो अपन को कितनी क्लास बनानी है, नंबर ऑफ क्लास 8, ठीक है। ये अपन को पता चल चुका है कि कैसे स्टर्ज के नियम को फॉलो करके अपन किसी डाटा से संबंधित नंबर ऑफ क्लास निकाल सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल बनाकर अपन देखते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। बहुत इजी है अगर आपको संबंधित रूल्स याद हो तो, वरना सब ऊपर से ही जाएगा। जैसे कोई डाटा दिया है अपन को, बीएससी फाइनल ईयर की क्लास में स्टूडेंट्स के वेट से रिलेटेड, ठीक है, वेट से रिलेटेड डाटा दिया है और वो डाटा है 30 से 80। ये डाटा दिया है, इस डाटा से अपन को बनानी है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल। या ये डाटा ऐसे भी ना देकर बड़े रूप में भी दे सकता है, जैसे 30, 32, 35, 40 45, 50, 58,
65, 70, 78 और 80। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी 10 कर देता हूँ इसको, ये तो 80 कर देते हैं यहाँ पे अपन, यहाँ के यहाँ से एक संख्या गायब कर दी, जैसे ये वाली कर दी मैंने बस। ये अपन को क्वेश्चन मिला है एग्जाम में कि दिए गया डाटा किसी क्लास के वेट से संबंधित लिया गया डाटा है, इस डाटा से अपन को बनानी है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल। बस ये डाटा ही दिया है अपन को, कुछ नहीं दिया। तो इससे टेबल कैसे बनाएंगे अपन, ध्यान देना। सबसे पहले लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है, तो लोअर लिमिट 30 है और अपर लिमिट 80 है। क्लास इंटरवेल का देखें, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, क्लियर है। क्लास इंटरवेल लोअर लिमिट अपर लिमिट पता चल गया, तो क्लास इंटरवेल आसानी से निकाल सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लास। तो सबसे पहले अपन नंबर ऑफ क्लास निकाले, कितनी बनानी है तभी तो यहां पे लिखेंगे, ठीक है, तभी तो अपनी क्लास और इंटरवेल निकलेगी। तो स्टर्ज का नियम का फॉलो करें अपन, तो C इक्वल टू 1+3.32 लॉग n, तो 1+3.32 यहाँ पे लॉग n कितनी संख्या में 10, तो लॉग 10, 1+3.32 लॉग 10 का मान होता है 1, ठीक है। तो 1+ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 3.32, कितना हो गया 4.32। यानी कि अपन को क्लास बनानी है, या तो चार बना लो या पांच बना लो। तो अपन पांच क्लास बना लेते हैं इसकी। तो कैसे बनेगी पांच क्लास, अब अपन को क्लास नंबर ऑफ क्लास पता चल गया है कि कितनी क्लास बनानी है, या तो चार बना लो या पांच बना लो, तो अपन पांच बनाएंगे। क्लास इंटरवल निकालनी है, पांच का भाग लगा दिया, पांच क्लास बनानी है तो 50 वो 10 का आ गया, 10 का अंतर रखते हुए, अंतराल रखते हुए अपन को पांच क्लास बनानी है। तो बनाते हैं अपन पांच क्लास, यहां पे बना लेता हूं मैं क्लासेस। कहां से स्टार्ट करना है, 30 से, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, ये पांच क्लास बन गई। यहाँ पे टेली बार्स, जैसे मान लो कि यहाँ पे देते कि 30 किलो वेट के दो स्टूडेंट है, इसके एक है, इसके पांच है, इसके चार है, इसके दो है, इसके 10 है, या 6 है, इसके 7 है, इसके 4 है, इसके 2 है, इसके 3 है। ऐसे डाटा दिया गया अपन को कि इतने नंबर वेट का, ये 30 किलो वेट के दो स्टूडेंट है, 35 किलो के एक स्टूडेंट है। ऐसे टेली बार्स खींचेंगे अपन, टेली बार्स कैसे खींचेंगे, 30 से 40 के बीच में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं उतनी टेली बार्स खींचनी है। 30 से 40 ये रहा, तो 2, 3, 5, 6, 7 5, 6, 7, 8 हो गए, 1, 2, 3, 4 ये 5 तो ये हो गए, 1, 5, 6, 7 और ये 8, ये लो जी 8 फ्रीक्वेंसी। और यहां पे एक फ्रीक्वेंसी वो निकालते हैं जिसे बोलते हैं संचयी आवृत्ति, जिसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवृत्ति या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ये टेलीवार्स। यानी कि 30 से 40 जो क्लास है उसमें अपन को देखना है कि कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कितनी संख्या में आ रहे हैं। तो ये रहा 30, ये रहा 40,
कितनी संख्या में आ रहे हैं? 40 के 5 स्टूडेंट हैं, 35 के 1 है और 30 के 2 है। तो 5 और 1 6 7 8, तो 8 रैली बार्स खींच गई है मेरे को। तो 4 खड़ी लाइन, 1 तिरछी लाइन, तो 5 तो ये हो गए और 3 खड़ी लाइन, तो 8 हो गए। ये लो 8। ठीक है, ऐसे अपन करके ये फ्रीक्वेंसी टेबल आसानी से बना सकते हैं। ऐसे 40 से 50 मानो, 40 से 50 तो 2 4 4 5 6, 6 और 5 11, तो 11 टेली बार्स खींचेंगे इधर 11। तो ऐसे करके अपन आसानी से ये टेबल बना सकते हैं। डिपेंड करेगा कि डाटा अपने पास कैसा दिया गया है। सबसे पहले अपन को स्टर्ज का नियम का फॉलो करके नंबर ऑफ क्लास ज्ञात करनी है, फिर क्लास लिमिट क्लास इंटरवेल ज्ञात करनी है, तो फिर आसानी से अपन ये टेबल बना सकते हैं। इस टेबल को नेक्स्ट क्लास में अपन अच्छे से बना के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल तो आपकी ये समझ में आ गई होगी कि कैसे इसमें रूल्स अप्लाई किए जाते हैं और कैसे ये टेबल बनती है। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।